अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल रेसिपी दाल फ्राई और नान। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया है। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर इसे बनाना। ये मैंने 300 ग्राम मैदे के आटे को छान कर ले ली हूँ। इसमें डालूँगी आधा चम्मच खाने का सोडा और डालूँगी कोथमीर बारीक कटी हुई। अब हम इसे पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा आटा नरम ना हो जाए। देखिए आटा गूंदकर हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको चारों तरफ लगाकर इसको रख देंगे। और अब हम दाल फ्राई बनाने की तैयारी करेंगे। दाल फ्राई बनाने के लिए कुकर में हम डालेंगे 1 कप मसूर की दाल, 1 कप तुअर की दाल, दोनों दाल बराबर चाहिए। अब हम इसको धोकर ले लेंगे। देखिए दाल को मैंने धोकर ले ली हूँ और इसमें 1.5 गिलास पानी डाली। अभी हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अभी हम कुकर को ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक के पकाएंगे। देखिए 3 सीटी लेकर हो चुका है, दाल अच्छे से गल गई है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 गिलास पानी। दाल हमें गाढ़ी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं चाहिए। देखिए इतनी गाढ़ी हमें दाल चाहिए। दाल बघारने के लिए मैंने डेगचा रख दी हूँ। इसमें डालूंगी तेल और इसमें डालूंगी 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा। अभी इसको मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। 1 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज का इस्तेमाल हमें थोड़ा ज़्यादा करना है, दाल फ्राई है तो कांदा इसमें ज़्यादा लगेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े कड़ी पत्ता। प्याज को हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक के भूनना है। प्याज का कलर चेंज होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्ची। अब इसको हम 1-2 मिनट तक के भूनेंगे। एक दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दाल। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे कुकर धोकर और डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। अभी हम इसको 1 उबाल आने तक के पकाएंगे। देखिए दाल में उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई कोथमीर और इसको मिक्स करके गैस को बंद कर दूंगी। अभी हम दाल फ्राई को ऊपर से तड़का देंगे। तड़का देने के लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालूंगी और डालूंगी 2 सूखी मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 3-4 कली लहसुन की, मैंने बारीक काट दी हूँ लहसुन को। अभी हम लहसुन को लाल होने देंगे। ऐसे तड़का लगाने से आपकी दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, दाल खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार होगा। लहसुन देखिए लाल हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ताकि इसका कलर अच्छा आए। अभी इस तड़के को मैं दाल में डाल दूंगी।
देखिए नान के लिए अभी मैंने आटा ली हूँ जो गूंद कर रखी थी, अब हम इसको हल्के से मसल लेंगे। हल्का सा मसलने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए इस साइज के हमें पेड़े बनाना है। देखिए पेड़े बनाकर हो चुके हैं, अभी हम इसे बेलेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जाड़ा जाड़ा ही रखना है। देखिए रोटी बेलकर हो चुका है। देखिए इतना जाड़ा हमें चाहिए, पतला नहीं चाहिए। देखिए फ्राई पैन मैंने रख दी हूँ गैस पे, फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अभी हम नान को डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक के सेकेंगे। 2 मिनट सेकने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। अभी इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। घी लगाकर हम वापस से इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड भी घी लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा नान हमारा उभरा है। अब हम इसको फिर से पलटेंगे। देखिए दोनों तरफ से सेक कर हो चुका है, अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे। माशाअल्लाह दाल फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर घर में इसे ट्राई करें। नान भी हमारे तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना दाल फ्राई और नान कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।